हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अफ़गानी एग कौरमे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो आप इसे ग्रीन एग कड़ी भी बोल सकते हैं। तो आप इस अंडे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अफ़गानी एग कौरमे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं और इसे एक फोक की मदद से इस तरीके से हल्का सा ब्रेक कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त इसमें अच्छे से तेल या फिर मसाले अब्जॉर्ब हो जाए। तो अब इसे साइड रखते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें आधी छोटी चम्मच कुकिंग तेल ऐड किया है और अब इसमें 2 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 10 से 12 काजू ऐड कर लेंगे। 3 से 4 हमने तोड़ के हरी मिर्ची लिया है और 5 से 6 लहसुन की कलियां लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जाएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप से कम पानी डाला है और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों में। अब कढ़ाई का लीड लगा के 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे ताकि प्याज काजू सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद प्याज और काजू सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे साइड रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में यहाँ पर 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छे से कढ़ाई के सरफेस पर फैला लेते हैं। अब इसमें अंडा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अंडा डाल दिया है तेल में। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं अंडे को। तो लो फ्लेम करके अंडे को फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंडे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे साइड रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब एक मिक्सी जार लेंगे और सभी चीज़ें मिक्सी जार में डाल देंगे। जार में सभी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया पत्ता लिया है 1/2 मुट्ठी और इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे पीस लेंगे। फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इधर पेस्ट भी बन के तैयार हो गया। तो इसे ले चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई लिया है और उसमें 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने 3 हरी इलायची डाला है चीरा लगा के और 2 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लिया है और इसे क्रैकल होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें पेस्ट ऐड कर लेंगे जो हमने पीस के तैयार किया था और थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सी जार में हमने पानी डाल के उसे धो के ऐड कर लिया है 1/2 कप के करीब। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेस्ट को मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। साथ ही 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च की पाउडर जाएगा और 1/2 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर जाएगा और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। और इन सभी मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। ग्रेवी को केयरफुली स्टर करेंगे क्योंकि इसमें जो छींटे उड़ रही है वो पड़े नहीं। अब इसमें फेटा हुआ दही ऐड कर लेंगे। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हमने दही ऐड कर लिया है और दही को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो चुकी है, दही अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है और साथ ही पक चुका है, तेल भी रिलीज होना स्टार्ट कर दिया है। इसी स्टेज पे फ्राई किया हुआ अंडा ऐड कर लेंगे और पैन में जो तेल बचा हुआ है उसे भी इसी ग्रेवी में डाल देंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में इस तरीके से। तो अंडे मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें फ्रेश क्रीम जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डाला है। आप चाहे तो दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ पे आधी छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से थिकनेस रख सकते हैं। तो अब कढ़ाई का ढक्कन लगा के 3 मिनट तक पका लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट के बाद हमारा अफ़गानी एक कोरमा बन के तैयार है। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और टेस्ट कीजिए, और हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।